Disclaimer. This video does not promote alcoholism or abuse of alcohol in any way. Smoking and drinking alcohol is injurious to your health. No real alcohol was used in this video. ख्वाहिश में अब तक के तैयार हो जाए, फटाफट कॉलेज के लिए लेट हो गए। मुझे तो वैसे भी आज लंच छोड़ेगा। अब तेरी ये खटारा करके स्टार्ट नहीं होगी। आज उसको डिनर पे लेके जाओ। बस मुझे एक बात कहनी है तुमसे, तुम मुझे कभी छोड़ना मत। कौन है नैना? मैं को नैना से मिला पहले बात तो आज। अरे एक्चुअली ना मुझे रॉकी का नंबर चाहिए था। अरे तू उसको लात मार अंश को, उसको फंसा। तू परेशान मत हो, मैं उसको तेरे पास लेके आऊंगा। चीयर्स भाई। सुनो के भाई, जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। यार जय, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, अब तक कंफ्यूज हुआ कि ऐसा क्या हो गया। मतलब लड़के का बर्थडे था यार, सुबह इतना खुश था, मैं इससे फोन पे बात भी हुई थी और रात को तुम लोगों ने मुझे बुलाया। मेरे को उसको देख के ना बहुत मतलब अंदर से बहुत दिक्कत हो रही है, समझ सकता है? मतलब बहुत परेशान हुआ अंदर से। ऐसा क्या हुआ उस पार्टी के अंदर भाई? आपके जाने के बाद तो हम चले गए थे, 5 मिनट बाद है भाई, निकल लिए थे 5 मिनट बाद हम चले गए थे। वो तो हमें रस्ते के अंदर मिला है, वहां पे पी रहा था भाई दारू। जो बंदा जो कभी दारू नहीं पीता वो बंदा दारू पी रहा है। कोई ना कोई तो इनकी आपस में ऐसी बात हुई जो दारू पीने लग गया भाई। और आधे घंटे बाद ही हमको वहां मिल गया था ये। हां भाई, फिर मिला था यार। देख जाए कुछ भी हो, हमें ये मैटर सॉल्व कराना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि ये लड़का नैना से इतना प्यार करता है कि मैंने आज तक बहुत देखा है इसको। नैना को जितना ही पसंद करता है, जितना उससे प्यार करता है। एक काम करते हैं, कल तुम लोग फ्री हो? हाँ हाँ, तो कल चलते हैं। हाँ कल चलते हैं एक बार अर्श से मिलने। किसका है? अननोन नंबर। इस समय अननोन नंबर? इस समय अननोन नंबर। हेलो हेलो रॉकी भैया। कौन? मैं नैना। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें नंबर कहाँ से मिला? मुझे आपका नंबर जय ने दिया था। जय ने दिया था? हाँ। अच्छा अच्छा, क्यों क्या हो गया? नहीं नहीं सब ठीक है। अच्छा मुझे आपसे मिलना है। तो कहाँ मिल सकती हो? घर आ जाओ मेरे। एक काम करो, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तुम आके मिलता हूँ। ठीक है। मैंने कहा बोलता भाई, तूने नंबर दी नैना को मेरा? हाँ भाई मैं नंबर ला रही थी, वो मुझे मिलने को बुला रही यार। वो कह रही है कि अभी हाँ कुछ अर्जेंट है। चलेगा, हम चलेगा साथ में? नहीं लाइक तुम लोग एंजॉय करो, एक काम करो मैं ही आता हूँ। सही है, घर आके मिलते हैं फिर एक बार। मैं जाओ और मिल के आता हूँ। ठीक है ओके, आके मिलते हैं। ओके ध्यान से आ। हेलो। हाँ नैना। हाँ यही लोकेशन? हाँ यही है। ऊपर आना? हाँ सेकंड फ्लोर पे आ जाओ। ठीक है। हेलो रॉकी भैया, आ जाओ अंदर बैठो। एक मिनट बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आ तो नया, तुमने मुझे यहाँ कैसे बुलाया? मुझे ना अंश के बारे में बात करनी थी। अंश के बारे में? हाँ। अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अंश को पसंद नहीं करती क्या? मैं पसंद तो अंश को बहुत करती हूँ, पर इस बीच हम दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना, तो वही मुझे क्लियर करने के लिए मैं आपको कॉल की। अच्छा बताओ तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वो आ रहा है वैसे 10 से 15 मिनट में आ जाएगा अंश। अंश को बुलाया आपने? हाँ तो हम क्लियर कर लेंगे जो भी बात थी। ठीक है ठीक है, आप अंश को आ दो, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। ठीक है अंश को आ दो, मैं जो मेरे लाइफ चल रही मैं करूंगा, टेंशन मत लो। आप बैठो, चाय कॉफी लाओ कुछ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉफी ले आती हूँ, आप यहाँ पे कंफर्टेबल होके बैठ। ठीक आई दीदी।
वो भी तुम्हारी मॉर्निंग मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी पूछ रहे हो मतलब मैंने तुम्हारे साथ क्या किया जो भी किया है ना वो सब इस फोन में रिकॉर्ड है ये मेरी चेयर ना उस गली में नहीं अच्छी लग रही थी तो मैंने इसलिए ले ली मैंने मेरे से मजाक मत करो मेरी चेन वापस और अंश कहाँ है कोई है सब लोग कहाँ गए अंश वाले कोई नहीं है मजाक तो मैं तुम्हारा बना दूंगी सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी वीडियो सारी चलो अब जाओ मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है नैना तुम सोचो अगर ये डाल दूंगी तो अंश क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में जाओ क्या हो गया ये को हेलो जय कहाँ पे काम कर जल्दी से जल्दी है ना मेरे घर पे आ जाओ हाँ मोनू साथ में हाँ चल उसको भी लिया और जल्दी आ मेरे पास यार और रोके भाई कैसे हो कैसे मोनू जैसा लगे आ रहा है हेलो रोगी भाई और तो बढ़िया बढ़िया क्या बात है इस टाइम बुला लिया आज क्या हुआ बहुत परेशानी हो यार क्या हुआ अरे कल हम लोग बात नहीं कर रहे थे नैना के पास जाने की मैं बात नहीं आया था यार नैना ने तो फंसा दिया मेरे को फंसा दिया क्या हुआ मैं उसके घर गया उसने मुझे पानी पिलाया पानी पी के पता नहीं 10 मिनट बाद मुझे क्या होने लग गया तो वो चक्कर आया और मैं गिर गया वहां पे जब मैं सो के उठा मतलब पता नहीं सुबह के टाइम मैं उठाऊ और यार नैना ने मेरी चेन पहन रखी थी गली के अंदर अच्छा उसने मेरी चेन भी छीन ली और यू कह रही है कि वीडियो बनाई है मेरी कोई वायरल कर देगी यार उसी को फोन आ रहा है उठाओ उठाओ हेलो आ रहे ना हाँ पहुंच गया फोन कौन सा फोन मुझसे कौन सा फोन आओ मैं तुम्हें कोई फोन कर दूंगा कौन सी वीडियो की तू बात कर रही है मैं नहीं आ सकता भाई वीडियो कौन सी यार पता नहीं इसने मेरी कौन सी वीडियो बना लिया लड़की बहुत तेज निकली यार तो मतलब वहां पे हुआ क्या था ये बताओ मेरे को यार कुछ नहीं हुआ मैं गया उसने मुझे पानी ऑफर किया मैंने वो पानी का ग्लास पिया उसके बाद मुझे चक्कर आ गए और मुझे पता नहीं कब सुबह हुई मैं सुबह उठाऊ तो उसने मेरी चेन पहन रखी थी मैं सोफे पे लेटा हुआ था कंबल ओढ़ के उसके फ्रेंड भी वही थी भाई कोई नहीं था यार बस उसने मेरे को बोला था अंश आ रहा है दोबारा फोन आ रहा है हेलो चाहती क्या मेरे से कहाँ मिलोगी रोके भाई हमें पता नहीं उसने कैसी वीडियो बनाई है पर आपकी इज्जत के ऊपर बात है तो जाना तो पड़ेगा एक बार मिलो देखो वीडियो क्या है ये यार मांग रही तो आईफोन मांग रही है
उससे पूछो कि आईफोन लेने का, तो डिलीट मार देगी वीडियो, और उन्हें जब भी नहीं मारी तो फिर और कुछ मांगेगी भाई, फिर और ब्लैकमेल करेगी। जाना तो पड़ेगा भाई, लड़की उल्टे टाइप की है ये, फंसा दिया इसने, फंसा दिया इनने, और क्या अंश को फंसाया वो इनने, कुछ ना तो करना ही पड़ेगा इसके लिए, कभी फिर और चाहते बढ़ेगी इसकी, फिर तो अभी आईफोन मांग रही है, फिर कभी कुछ और मांगे, जाता हूँ फिर जाके देख लो अगर क्या है, क्या मसला है इसका, कुछ नहीं तो करना ही पड़ेगा, अभी इज्जत के ऊपर बात है आपकी। मैं जाता हूँ फिर तुमसे, फिर आके बता दो मैं कैसी बात होती है। ठीक है आप मिलो एक बार उसको, और हमें फिर कॉल करना आप, हम मिलेंगे फिर आपसे, ठीक है? ठीक है ना, ओके चलो चलो यार मिलते हैं, आ जाना तुम, चलो ठीक है, हम तो निकल ही रहे थे, गिफ्ट है मेरा। अरे वाह, यही तो लाइफ है, जो चाहो वही मिल जाए, यही तो मैं चाहती थी। तो बसा सब क्यों कर दिया? ये तो स्टार्टिंग है अभी। फाइनली मुझे फोन मिल ही गया। हेलो, हाँ वानी कहाँ पर है? जल्दी आ, तुझे कुछ बताना है। ठीक है, आज तो बहुत थक गई यार। ओए फोन बिगड़ गया, क्या हो गया, ऐसी क्या अर्जेंट हो गया, तूने मुझे फोन करके बुलाया? यहाँ तो देख, ओल्ड किचन असली है, किसके देख ले, अभी छोड़ ये देख, आईफोन अभी ये किसका ले आई, ये भी मेरा है और ये भी मेरी है, ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई थी, अब हर दिन अपनी लॉटरी है। ऐसा क्या करा तूने? अंश का दोस्त नहीं है वो रॉकी, रॉकी हाँ 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 पूरा कंट्रोल में है वो। अच्छा ठीक है, ऐसे हुआ। ये सब छोड़ बाद में बताऊंगी, चल पहले खाना खाते, बहुत भूख लग रही है। चल ठीक है। यार जय, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम अंश को ये बातें बताएंगे तो इसको गलत ना लगे यार। भाई रॉकी भाई, बात तो करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि तुम भी बच चुके और वो भी बच चुका, नैना कैसी लड़की, हमें दिखाना पड़ेगा उसको, पूरी बात क्लियर करनी पड़ेगी उसको भाई। और बाकी फोन करता हूँ, कहाँ रह गया यार ये, 10 मिनट बोल रहा था ये आ गया यार। और भाई कैसे हो यार, कहाँ रह गए थे यार आज तू, किधर बैठ गया यार, कोई बात नहीं तुझसे, अब क्या बात है बताओ सर, बड़े भाई आप कैसे बड़े यार। आज हमने देखो यहाँ पे ना, नैना के बारे में बात करने के लिए बुलाया। अब यार उसकी बातें क्यों कर रहे हो, अभी तो इतने टाइम से मैं दिमाग में वही बातें चल रही थी, याद है ना क्या क्या सुना था हमने, बहुत बेकार लड़की है भाई, बहुत बेकार। अब क्या कर दिया उसने? अंश तुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे झूठ बोल के अपने घर बुलाया, उसने मुझे झूठ बोला कि तू वहां पे आ रहा है, उसने मुझे झूठ बोला कि तुम्हारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे करानी है, और उसने यार मुझे फंसा दिया, उसने मेरी कैरियर को, उसने मेरी वीडियो बना ली फोन के अंदर, उसने मेरी चैन यार ले ली, उसने इन लोगों के सामने फोन करके मेरे से फोन लिया आज। भाई जब मेरा सब खत्म हो चुका था फिर क्यों, आपको भी पता था ये बार आप क्यों गए? यार मैं बस तेरे चक्कर में गया था अंश, यार उसने यार उसने ये कहा था कि अंश वहां पे आ रहा है इसलिए गए थे। मैं खुद अभी उसको आईफोन लेके आया हूं यार, अभी आईफोन उसको देके आया हूं मैं, वो भी 12 बता यार।
ब्लैकमेल कर रही है मुझे यार, बात बात पे ब्लैकमेल कर रही है। आज फोन मांगा, कल कुछ और मांगेगी। भाई उसका कुछ ना था ही उसका, तभी तो मेरे को पटा रखा था। भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या करे यार, इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा रॉकी भाई। और मेरे साथ कौन ये बताओ, करेगा तू? हाँ मैं करूंगा, चल मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी बस। तो फिर तो अब हम मिलके नारे का पर्दाफाश करेंगे, करना पड़ेगा। तो भाई अगर वीडियो अगर देख चुके हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ख्वाहिश का पार्ट 3 आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग पार्ट आने वाला है। तो गाइस मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एक्सप्लोर द रिटर्न्स।